हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, अभी अभी मैं आपका बीए थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है हिंदी विषय का, उसका जो आपका एनालिसिस करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने की संभावना रहते हैं और लगातार आ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि पिछले वीडियोज बनाए और उनसे क्वेश्चन आए नहीं, 100% आए हैं। उसी के संदर्भ में आज मैं फिर बीए थर्ड ईयर के हिंदी का थर्ड पेपर का वीडियो लाया हूं। इसको आप लोग अच्छे से सिर्फ इतना पढ़िएगा, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आपको इतना पढ़ना है। आज थर्ड वाले में 100% नहीं, 200% गारंटी दूंगा कि जरूर इससे आएगा और पूरा इसी में से आएगा, इतना पढ़ लीजिए। और थर्ड पेपर में सबसे खास बात है आपकी कि इसमें आपका ना जो जो क्वेश्चन सेकेंड में आ रहा है उसी को उसी टॉपिक से आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन बन जा रहा है। देखिए, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हिंदी वाले विषय का, साथ ही यदि पॉलिटी विषय किसी का है हिंदी के बाद तो पॉलिटी वाले परेशान मत हो, आज शाम तक मैं पॉलिटी का भी अनसॉल्व से कलेक्ट करके क्वेश्चन और अपना एनालिसिस करके अच्छे से वीडियो लाऊंगा उसका। तो वे लोग इंतजार करें, बहुत कमेंट आ रहे हैं पॉलिटी वालों के लिए, और बाकी सोशोलॉजी वालों का भी मैं बनाऊंगा। तो देखिए, प्रयोजन मूलक पहला क्वेश्चन जो पहली यूनिट से आपको पढ़ना है, प्रयोजन मूलक हिंदी की मुख्य या प्रमुख जो प्रयुक्तियां हैं उनको लिखना है। यही संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त परिचय दीजिए या फिर इससे क्या अभिप्राय है प्रयोजन मूलक हिंदी से, पहला क्वेश्चन ये है। अथवा में यदि पढ़ना चाहते हैं तो राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये पढ़ लीजिएगा अथवा में। बस दो क्वेश्चन पहले के लिए पढ़िएगा, इसमें से 100% है आना। यदि आप इतने में संतुष्ट नहीं होते हैं, अपना व्यक्तिगत परिचय लेकर के, व्यक्तिगत अवधारणा लेकर के आप एक आध क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसको भी सजेस्ट कर दूं कि संक्षेपण क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि संक्षेपण का क्वेश्चन तीसरा नंबर यूनिट से भी बनता है। संक्षेपण का आप अनसॉल्व उठाकर देख लेंगे तो संक्षेपण से ही संबंधित क्वेश्चन जो है, संक्षेपण की विवेचना कीजिए, संक्षेपण क्या है संक्षेपण के बारे में, तो वो आपका थर्ड यूनिट में संक्षेपण से क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर फर्स्ट यूनिट के संक्षेपण भी पढ़ लेंगे तो आपका थर्ड यूनिट में वो बन जाएगा क्वेश्चन, इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन आप पढ़िएगा फर्स्ट यूनिट के लिए बस, और सेकेंड यूनिट का जो क्वेश्चन है इसमें परिभाषिक शब्दों के लक्षण की विशेषताएं लिखिए, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है और आएगा 100%। और इसके अथवा में यदि आप पढ़ना चाहते हैं जनसंचार माध्यम से जो विविध, मतलब हिंदी का जनसंचार माध्यम के विविध प्रकारों का उल्लेख करिए या फिर इनकी विशेषताओं को लिखिए, ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन में जो दो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप सीधा सीधा पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा में, यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा में परिभाषिक सेकंड वाले में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेकंड वाला जो जनसंचार माध्यम है ये आपके यूनिट थर्ड में भी क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे खास बात, को रिलेट है एक दूसरे यूनिट से, एक ही टॉपिक दो यूनिट के क्वेश्चन में बन जा रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तीसरे यूनिट में भी, तीसरे यूनिट का तीसरा क्वेश्चन बता दें, जो जनसंचार माध्यम वाला सेकंड में भी बन सकता है, थर्ड यूनिट में भी बन सकता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और उसके अलावा थर्ड यूनिट में आप अनुवाद को परिभाषित करिए, इसको इसके विविध प्रकारों को लिखिए, इस प्रकार का देख सकते हैं। अनुवाद की परिभाषा देकर के उनके प्रकारों का उल्लेख करिए, ये क्वेश्चन आपका फोर्थ यूनिट में भी बनेगा। चौथा क्वेश्चन भी थर्ड यूनिट के क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा थर्ड फोर्थ में बन जाएगा, हो सकता है दोनों जगह एक एक क्वेश्चन थोड़ा मैच करके रहे, तो ये आपको ध्यान पूर्वक रखना है। अभी एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चंस को बोल दूंगा क्या क्या पढ़ना है, फिर आप टिक लगा लीजिए अपने अनसॉल्व से और वही पढ़िए। उसके बाद आपका आ गया क्या कहते हैं तीसरा यूनिट, जो है कि तीसरा यूनिट में कार्यालय पत्रचार से के बारे में पढ़ लीजिए या फिर निबंध लेखन की विशेषताएं, बस इतना पढ़ना है। यहां से अब तक मैं तीन ही यूनिट का क्वेश्चन बताया और इसमें आपका एक चौथी यूनिट में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन में से तीन यूनिट में 100% आएंगे। और चौथी यूनिट का आपका पढ़ना है संचार माध्यम से रेडियो की क्या आवश्यकता है, और ये रेडियो की आवश्यकता आपका लास्ट यूनिट पांचवी में जो आपको पांच क्वेश्चन आएंगे टिप्पणी के लिए उसमें बन जाता है क्वेश्चन, यदि आप यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टिप्पणी पढ़ ली है तो, मतलब अगर इसको लॉन्ग में पढ़ ली, क्योंकि आप आगे चलकर देखेंगे तो जो आपका ये हिंदी का जो अनुवाद है ये आपका उसमें बन जाता है, अनुवाद पे क्वेश्चन बनता है फाइव वाले क्वेश्चन में टिप्पणी पर, तो ये भी बढ़िया है। चौथी यूनिट में संचार माध्यम से रेडियो जो भूमिका है वो, और अनुवाद या प्रशासनिक क्षेत्र में मतलब हिंदी का अनुवाद की विशेषता लिख दीजिए, चौथा यूनिट ये हो गया। पांचवी यूनिट में पांच टिप्पणियां लिखनी रहती हैं, उसमें बता देते हैं 100% यही आएगा। इसमें कुछ संद आप जो बताएं वही पढ़िएगा। पहला, रेडियो की भाषा पढ़ लीजिएगा, का में,
खा में आपका टिप्पणी, टिप्पणी पर ही टिप्पणी लिखना है आपको, ये पढ़ लीजिए। और उसके अलावा गा में प्रूफ के प्रमुख चिन्ह या इसके प्रूफ के शोधन के बारे में आएगा, तो प्रूफ के बारे में पढ़ लीजिएगा। और घ वाला संचार माध्यम का तात्पर्य क्या है ये पढ़ लीजिएगा। अंगा वाला हिंदी में सॉफ्टवेयर, बस ये आपके क्वेश्चंस हैं। और छ जो छठवां है, संपादकीय लेखन संपादन सिद्धांत, यही आएगा छठवां। तो कुल मिला के इतना ही पढ़िएगा, इसी में से पूरा पांचों आ जाएगा। और उसके ऊपर जो मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, सब पूरा थर्ड पेपर में फंसेगा। अब देखिए फिर से एक बार आपको बता देते हैं, फर्स्ट फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है आपको, या फिर ऐसे लगातार बता देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितने पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है पहला प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं, या फिर इसके अभिप्राय क्या है, संक्षिप्त विवरण, वही चीज हुआ सब कुछ, या फिर राजभाषा हिंदी की संवैधानिक मतलब स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये पढ़ लीजिए। फिर आपका संक्षेपण क्या है ये पढ़ लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे, ये तीसरा यूनिट में आपको क्वेश्चन बनता है। तो तीन प्रश्न यहाँ हो गए। उसके बाद परिभाषिक शब्दों के लक्षण लिखिए, ये दूसरी यूनिट का आ जाएगा। जनसंचार माध्यम जो है इसके विविध प्रकारों को लेकर ये आपका मतलब दूसरी यूनिट का दूसरा क्वेश्चन बता दिए। कुल मिला पांच क्वेश्चन हो गया। जनसंचार माध्यम आपका थर्ड यूनिट में भी क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके लिए फायदेमंद है। और अनुवाद वाला इसमें भी पढ़ लीजिएगा दूसरी यूनिट में, अनुवाद वाला आपका चौथी यूनिट में क्वेश्चन बन जाता है। तो वहां से क्वेश्चन यहाँ आ गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका छह क्वेश्चंस। और तीसरी यूनिट में कार्यालय पत्राचार के प्रारूप को लिखिए, निबंध, ये आ जाएगा। निबंध लेखन के बारे में आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। चौथी यूनिट में संचार माध्यम से रेडियो की आवश्यकता, और संचार माध्यम से आपका टिप्पणी भी आ रहा है, मैंने बताया अभी। तो ये हो गया अनुवाद, यहाँ पर चौथी यूनिट में अनुवाद या प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता, बस ये पहले भी मैंने बताया। दूसरी यूनिट में अनुवाद पढ़ना है, इतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है, बस आपके लिए सारा 100% ये देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं इस वक्त हूँ घर पे, और घर पे होने के बावजूद मैं बहुत व्यस्तता होने के कारण भी मैं वीडियो ला देता हूँ। फिलहाल है कि आप लोग मेरे ही भरोसे मेरे इंतजार में रहते हैं, और आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सेकंड पेपर कैसा रहा आपका, कैसा गया परीक्षा, और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आए कुछ कि नहीं। तो इसके अलावा आपको जो और सब्जेक्ट होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इसका वीडियो बनाइए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और इकोनॉमिक्स जिसका है, जिसका हिंदी के बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वाले इंतजार करेंगे, पूरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे मैं अपने से, और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे। और आज रहा आपका हिंदी का लास्ट पेपर का वीडियो बन गया, और बाकी चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे आप आगे चलकर, तो उसकी भी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बोलता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदेमंद है। बाकी आज के लिए इतना ही, और बहुत सारे लोगों का कमेंट मैसेज आ रहा है अभी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, मेडिकल हिस्ट्री, हाँ ये सारे क्वेश्चन बनाना है, जियोग्राफी, बहुत सारे। तो उसके लिए मेरी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा वीडियो। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।